हेलो फ्रेंड्स, आई स्टडी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएससी फाइनल ईयर के सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बारे में। चलिए बात करते हैं अपने केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बात कर ली जाए कौन से सेशन की बात कर रहे हैं, तो अपना जो सेशन है वो है 2021 एंड 2022 वाला जो सेशन है उसके सिलेबस की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद बात की जाए तो आई स्टडी का जो प्लेटफॉर्म है वो आपको राजस्थान की टोटल 9 यूनिवर्सिटी का सिलेबस प्रोवाइड करवा रहा है, टोटल क्लासे दे रहा है एंड जो हैंड राइटिंग नोट्स है वो भी आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो यहाँ से आगे हम बात करें तो अपने पास जो आज हम कौन सी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो पढ़ रहे हैं हम बीकानेर यूनिवर्सिटी के बारे में। फाइनल ईयर में हो, सबको पता है कि कितने पेपर चलते हैं, 3 पेपर चलते हैं। फर्स्ट आता है इनऑर्गेनिक का, दूसरा आता है ऑर्गेनिक का और तीसरा पेपर आता है अपना फिजिकल का। तो तीनों पेपर हो गए अपने पास, पहला है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। इन तीनों पेपर्स की हमें चर्चा करनी है। इससे पहले हम बात करेंगे पेपर पैटर्न की। तो पेपर पैटर्न ये कहता है कि हर एक पेपर में से कितनी यूनिट होती है, 5 यूनिट होती है। हर एक जो पेपर उसमें 5 यूनिट है। हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए। करने कितने होते हैं हमें, 5 क्वेश्चन करने होते हैं। कहने का मतलब एक जैसे फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में से 2 क्वेश्चन आता है, एक अथवा का और एक अपने पास, तो उन दोनों में से हमें क्या करना होता है, कोई एक क्वेश्चन करना होता है। तो टोटल 5 यूनिट है, 10 क्वेश्चन आएंगे, करना कितना है, 5 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करें तो आई स्टडी के प्लेटफॉर्म में जो आप अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने ऐप को ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से ऐप को ज्वाइन करें। ऐप ज्वाइन करने का जो चार्ज है वो 121 रुपये है। 121 रुपये में आपको जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं होगी तब तक पूरा सिलेबस हमें प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। रेगुलर क्लासेस चलती है तो आपको रेगुलर क्लासेस मिलती जाएगी। इसके बाद बात की जाए तो हैंड राइटिंग जो नोट्स है उनका जो चार्ज है वो 59 रुपीज़ है। 59 रुपीज़ में आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। दोनों का ही लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जो स्टूडेंट जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है वो उसी यूनिवर्सिटी के लिए पे करें, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो कोटा का हो, चाहे वो बीकानेर का हो, जिस भी यूनिवर्सिटी का है वो उसी ही यूनिवर्सिटी के बैच को ज्वाइन करें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने पास जो सिलेबस हमें दे रखा है कौन कौन से पेपर में कौन से यूनिट हैं उनके बारे में। फर्स्ट अपने पास क्या है, इनऑर्गेनिक की बात की जाए या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम चर्चा करें तो सबसे पहले यहाँ कौन सा होगा, तो फर्स्ट यूनिट अपने पास मेटल लिगेंड बॉन्डिंग ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। क्या कह रहा है, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। दूसरा अपने पास है, जैसे अपने पास फर्स्ट यूनिट के अंदर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो लिखा है, इसी के अंदर हम बात करेंगे, इसी में सेकंड है काइनेटिक्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि फर्स्ट यूनिट के अंदर अपने पास कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। 2 पार्ट में से अपने पास 2 क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड जो यूनिट है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। दूसरा अपने पास है इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा, वो भी किसका, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर भी अपने पास क्या थे, 2 पार्ट थे। सेकंड यूनिट के अंदर भी अपने पास क्या आ गए, वही 2 पार्ट आ गए। थर्ड यूनिट की बात की जाए तो थर्ड यूनिट कौन सी होगी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। थर्ड यूनिट अपने पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और इसी के साथ अपने पास चलती है न्यूक्लियर नाभिकीय रसायन। फिर अपने पास है फोर्थ यूनिट, और फोर्थ यूनिट की बात की जाए तो फोर्थ यूनिट के अंदर अपने पास चलते हैं, एक तो जो सिलिकॉन्स और फॉस्फोजीन्स हैं,
सिलिकॉन, फोस्फोजिन। एक तो सिलिकॉन और फोस्फोजिन। अब सिलिकॉन और फोस्फोजिन के अलावा जो दूसरा है वो है बायो इनऑर्गेनिक, बायो इनऑर्गेनिक ये है। फिर लास्ट यूनिट अपने पास HSAB, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, और इसी के साथ दूसरा है नॉन एक्वस सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, अब चलते हैं अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो जैसे हमने इनऑर्गेनिक के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट देखी, किसी यूनिट के अंदर दो पार्ट है तो किसी के अंदर एक पार्ट है। तो यहाँ हम बात करें तो अपने पास हर एक यूनिट में दो ही पार्ट है। फर्स्ट में दोनों पार्ट है, सेकंड में दो पार्ट है, थर्ड के अंदर दो पार्ट है, फोर्थ की यूनिट के अंदर सिलिकॉन फॉस्फोजिन, और दूसरा इसका है अपने पास जो सिलिकॉन और फॉस्फोजिन इसके अंदर जाएगा और बायो इनऑर्गेनिक जो इसके अंदर जाएगा। फिर अपने पास फिफ्थ यूनिट के अंदर HSAB यानी कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट अपने पास यहाँ आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके अंदर, तो इसके अंदर सबसे पहली जो यूनिट है उसके अंदर आएगा अपने पास NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। सेकंड की बात की जाए तो यहाँ आता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और इसी के साथ चलता है ऑयल फैट डिटर्जेंट, ऑयल फैट डिटर्जेंट। तो इसकी बात कर ली जाए अपने पास कितने यूनिट हो गए भाई, फर्स्ट के अंदर एक पार्ट था, सेकंड में दो पार्ट है। जैसे हमने यहाँ देखे हैं दो दो पार्ट, वैसे इसके पास भी क्या हो गया, दो पार्ट हो गए, ऑयल फैट डिटर्जेंट हो गया अपने पास। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में तो थर्ड अपने पास है पेप्टाइड यानी कि एमिनो एसिड, एमिनो एसिड पेप्टाइड प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड। हमने बात कर ली भाई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बाद अपने पास कौन सा हो गया, एमिनो एसिड पेप्टाइड, और ये हो गया। इसके बाद इसी एमिनो एसिड के साथ में जो है वो कौन सा है इसकी बात कर ली जाए, यानी कि इसी के साथ जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा ऑर्गेनिक सिंथेसिस व्यू इनोलेट्स, और लास्ट जो फोर्थ यूनिट है वो है अपने पास कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, और लास्ट अपने पास फिफ्थ यूनिट जो है वो है पॉलीमर एंड डाइज के बारे में। लास्ट अपने पास जैसे इसके अंदर भी हमने फिफ्थ यूनिट देखी है, वैसे इसके अंदर भी क्या आ जाएगा अपने पास, फिफ्थ यूनिट पॉलीमर एंड डाइज। तो ये कौन सी हो गई अपने पास, पॉलीमर की और डाई, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ में है अपने पास। लास्ट अपने पास फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल की फर्स्ट यूनिट है क्वांटम, सेकंड यूनिट है अपने पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि MOT, थर्ड यूनिट है अपने पास स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोर्थ यूनिट है अपने पास, फोर्थ यूनिट की बात की जाए तो थर्मोडायनेमिक्स, और लास्ट अपने पास फिफ्थ यूनिट है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन कौन से हो गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे भाई क्वथनांक गुणियन क्या है, हिमांक में अवनमन क्या है, राहुल का नियम क्या होता है, विलयन कैसे होते हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अपने पास तीनों पेपर की हमने चर्चा कर ली। बीकानेर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, सेशन 2021 और 22 का है, पांच पांच यूनिट हमने हर एक पेपर के अंदर देखी है, यही पांच पांच यूनिट अपने पास पूछी जाती है, किसी यूनिट के अंदर दो पार्ट है तो किसी का एक ही पार्ट है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार दोबारा से, जिस भी स्टूडेंट ने ऐप को ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से ऐप को ज्वाइन करे। ऐप ज्वाइन करने का जो चार्ज है वो 121 रुपये है, और जो नोट्स का जो चार्ज है वो 59 रुपीज़ है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, ऐप को ज्वाइन कर सकते हो।